अगर आपके मन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, हमेशा उलझे हुए रहते हो आप, तो आपको कुछ बातें मानना पड़ेगा। जो है मैं 5 टिप्स लिखी हो वो आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ये आपको करना ही पड़ेगा, तब भी आप खुश रह पाओगे। बिल्कुल आप शुरू कीजिए तो, और देखिए इसका फल कैसा आता है, इसका नतीजा क्या आता है, क्योंकि मैं इसे खुद ट्राई करती हूँ तब भी जाके मुझे पता चला। तो जो मैंने नोट किया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे कोई भी काम ना करे जिसके लिए आपको बाद में पछतावा पड़े, ठीक है। ऐसे कोई भी काम ना करे जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। और दिमाग को खाली ना रखें, हमेशा अच्छी सोच रखिए। हमेशा कुछ करना है आपको, कुछ बड़ा बनना है, उसके लिए सोचिए। अगर आप ऐसा कुछ नहीं सोचते रहोगे तो आपके खाली दिमाग पे वही बात आ जाएगी जो आपके परेशान करता है। तो तीसरा, रोजाना मेडिटेशन कीजिए। रोजाना मेडिटेशन कीजिए क्योंकि सामने चले जाओ, सामने बाबू खुले दो, जाओ एक टू जाओ। तो रोजाना मेडिटेशन कीजिए क्योंकि ध्यान जो है बहुत ही अच्छी चीज है। मैं रोज सुबह 6:30 बजे उठती हूँ। मैं भोपाल में रहती हूँ, भोपाल शहर है, ये सिटी है, तो यहाँ पे रहती हूँ। लेकिन मैं जाओ पहले 8-9 बज जाते थे उठने में, अब तो 6:30 बजे अलार्म लगा के सोती हूँ और उठ भी जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ सुबह छत पे जाती हूँ और थोड़ी देर के लिए वॉक कर लेती हूँ, जो मॉर्निंग वॉक होता है ना, और ताज़ी ताज़ी हवा लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है। और मेडिटेशन कर लेती हूँ। मेडिटेशन मतलब ध्यान होता है, तो ध्यान में ये सब कुछ बोलती हूँ मैं। आप बंद करके ध्यान कीजिए, सीधा बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और भगवान को याद कर लीजिए। और उसके बाद बोलिए जो आप चाहते हो आपके लाइफ में हो, वो बात सुबह सुबह बोलना चाहिए हम सबको। सुबह सुबह और रात को सोने से पहले ये बात बोलना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही सच होता है। मुझे तो बहुत खुश होता है, मैंने बहुत कुछ बदला है अपने लाइफ में सिर्फ मेडिटेशन कर करके। अब भी कीजिए, बहुत खुश रहोगे आप। और किसी की काम में दखल ना करें जब तक उसने ना बोला हो, ठीक है। किसी के काम में दखल ना ले जब तक दखल ना दे जब तक उसने ना बोला हो। किसी भी के ऐसे किसी के मामले में मात पड़ी है, ये बहुत गलत बात है ना। तो यही है, किसी के पास वक्त ये सब करते रहिए, आप बहुत खुश रहोगे।